आप लोग स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक और द लेक्चर फॉर द क्लास इज प्रोकैरियोट्स। तो बच्चों, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में 4 लोग आते हैं। पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि ये प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चों, प्रोकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, इनमें ऐसे सेल्स होते हैं विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनमें बच्चों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि ऐसा न्यूक्लियस, या अगर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो उसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते थे या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते थे, और ऐसे सेल्स को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते थे। और यदि क्या होता था, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि ये न्यूक्लियस जो है इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, और ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। बच्चों देखिए, इवोल्यूशन के समय जो सबसे पहले सेल्स डेवलप हुए, दैट इज किंगडम मोनेरा के मेंबर, जिसमें बैक्टीरिया रखे गए, वो मेनली कैसे थे, प्रोकैरियोट्स। उसमें सबके सब कैसे लोग आते हैं, प्रोकैरियोट्स, दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल में टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक इज प्रोकैरियोट्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से लोग रखे गए हैं। बच्चों प्रोकैरियोट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोकैरियोट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, यहां पर बच्चों बैक्टीरिया रखा गया, यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहां पर माइकोप्लाज्मा रखा गया, और यहां पर कौन रखा गया बेटा, दैट इज PPLO, दैट इज प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन रखा गया यहां पर, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स रखे गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रोकैरियोट्स की बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हम लोग ने जैसे अभी बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, विच मींस देयर न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके न्यूक्लियस में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो अब बात करते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन रेट की। अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन रेट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, दीज प्रोकैरियोट्स मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोट्स। इनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इनका जो डिवीजन होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में ज्यादा तेज होता है। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसको भी हम लोग अलग से लिख लेते हैं, दैट इज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक मटीरियल है वो सीधे साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में होता है। दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। यहां पर बच्चों जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस में
और साइटोप्लाज्म में कोई बैरियर नहीं है। जो वो बैरियर कौन होता है, वो बैरियर होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर इनवेलप। या लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर मटीरियल या फिर बच्चों जिसको हम लोग जेनेटिक मटीरियल बोल रहे हैं, ये होता कैसा है। तो यहां पर जो जेनेटिक मटीरियल होता है दैट इज सर्कुलर। कैसा जेनेटिक मटीरियल है? सर्कुलर जेनेटिक मटीरियल यहां पर पाया जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से अगर हम लोग मान लें। जबकि यूकैरियोट्स में कैसा जेनेटिक मटीरियल होता है? लीनियर जेनेटिक मटीरियल, दैट इज लीनियर डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहां पर कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अब यहां पर एक चीज हम लोगों को समझनी होगी कि प्रोकैरियोट्स में, खास करके अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो यहां पर मैं एक बैक्टीरियल सेल जैसा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या मान लिया, इट इज ए बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। अब यहां पर क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि ये क्या हो गया, ये इसका जेनेटिक मटीरियल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है बच्चों, और जब ये डीएनए कंडेंस हो जाता है तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। अच्छा, क्रोमोसोम की संख्या 1, 2, 3 हो सकती है, यानी कि 1 से लेकर 3 हो सकती है। मेनली अगर हम लोग बैक्टीरिया को कंसिडर करें तो वहां पर यूजुअली एक ही क्रोमोसोम यानी कि एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। अच्छा, होता क्या है, यहां पर खास बात क्या है बच्चों, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है। ये क्या है बच्चों? इट इज द साइटोप्लाज्म। ये यहां पर साइटोप्लाज्म है। इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से बाहर एक और जेनेटिक मटेरियल पाया जा सकता है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में कैसा होता है, छोटा होता है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं प्लास्मिड। इसको क्या कहा जाता है? प्लास्मिड कहा जाता है। अब बात को यहां पर बहुत ध्यान से समझना होगा, प्लास्मिड कैसा होता है। प्लास्मिड जो होता है बेटा, ये मेन डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके कंपैरिजन में हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर ये मैं क्या बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, अगर मैंने मान लिया कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर का हमारा जेनेटिक मटीरियल है, तो देखिए आप, ये मेन न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कैसा है, छोटा है। ये भी कैसा है, सर्कुलर है या लीनियर है, हम देख सकते हैं। ये भी कैसा है बच्चों, इट इज ऑल्सो सर्कुलर। प्लास्मिड की अगर बात करते हैं तो ये कैसे, कितने स्ट्रैंड्स यानी कितनी चेन्स मिल रही हैं डीएनए की, यहां पर भी बच्चों 2 चेन्स मिल रही हैं, विच मीन्स इट इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड, और ये अपनी कॉपीज भी तैयार कर सकता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लीकेटिंग। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लीकेटिंग कहते हैं। और ये मेन क्रोमोजोम के बाहर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है बच्चों, ये हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। और इस तरह से हम लोग ने प्लास्मिड को डिफाइन भी कर लिया। यही प्लास्मिड की क्या होती है बच्चों, डेफिनेशन भी होती है। तो अगर हम यहां पर प्लास्मिड को डिफाइन करना चाहें तो प्लास्मिड क्या होता है, चलिए इसको हम लोग अगली स्लाइड में डिफाइन करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्लास्मिड क्या है हमारा, प्लास्मिड इज, प्लास्मिड की अगर बात करें हम लोग तो व्हाट इज दिस प्लास्मिड, प्लास्मिड इज स्मॉल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड, इसको हम लोग स्मॉल डी और स्मॉल एस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लीकेटिंग। ये क्या कर सकता है, अपनी कॉपीज भी तैयार कर सकता है, सेल्फ रेप्लीकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। क्या है बच्चों ये, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इज नोन एज प्लास्मिड। इसको हम लोग बेटा प्लास्मिड कहते हैं। प्लास्मिड की अगर डिस्कवरी की हम लोग बात करें बेटा, देन सो प्लास्मिड वॉज डिस्कवर्ड बाई हे एंड लीडरबर्ग। इसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों,
हे और लेडरबर्ग नाम के वैज्ञानिकों ने की थी इन 1952, 1952 में, यानी 1952 में, ईयर 1952 में प्लास्मिड की खोज किसने की थी? हे एंड लेडरबर्ग ने की थी। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, फंक्शंस ऑफ द प्लास्मिड। फंक्शंस की बात करते हैं तो ये प्लास्मिड क्या करता है, इट प्रोवाइड सर्टेन फीनोटिपिक कैरेक्टर टू द सेल। ये सेल को कुछ फीनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस देता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक ऑर्गेनिज्म या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाले हुए केमिकल्स जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं या रोकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यानी द केमिकल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन माइक्रोब एंड दे आर यूज्ड टू सप्रेस और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाले हुए केमिकल्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? दैट वॉज पेनिसिलिन। वो कौन सा था बच्चों? पेनिसिलिन था। और जिस फंगस से उसको निकाला गया था, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था उसका? पेनिसिलियम नोटेटम नाम था। चलिए, तो ये फंक्शन हुआ प्लास्मिड का, एक फंक्शन ये हो गया कि वो कुछ फीनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है सेल को, यानी जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक जाएगा लेकिन वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया, क्योंकि उस एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, उस बैक्टीरिया के ऊपर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। ये किसकी वजह से होता है? ये प्लास्मिड की वजह से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है? इट ऑल्सो मॉनिटर्स बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। ये बच्चों बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करता है फॉरेन डीएनए के साथ। फॉरेन डीएनए का मतलब, जो हम लोग, ये जो प्लास्मिड होता है बेसिकली बच्चों, ये वेक्टर का काम करता है। यानी एक सेल से दूसरे सेल में अगर हमको डीएनए को भेजना है तो हम लोग किसकी मदद से भेजते हैं? प्लास्मिड की मदद से भेजते हैं। तो वही बात यहां पे कही जा रही है। और जिस प्रोसेस से बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इट मॉनिटर्स द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। तो इट वाज ऑल अबाउट प्लास्मिड। प्लास्मिड में अगर आपको इतना प्रिपेयर है तो आई होप आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है यहां से। ठीक है, डिस्कवरी पूछ लेगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में 12th के एनसीईआरटी में भी बहुत डिटेल में देखेंगे। और डेफिनेशन इसकी जरूर याद रखिएगा, इट इज स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि मेन क्रोमोसोम से बाहर जेनेटिक मटीरियल है, दैट इज व्हाई इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ शेप्स के बारे में बात की गई है बैक्टीरिया के, दैट इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दीज प्लास्मिड्स आर मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया। ये किसमें पाए जाते हैं बच्चों? ये बैक्टीरिया का फीचर होता है स्पेशली, इट इज द फीचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शेप की अगर बात करेंगे बेटा हम लोग, तो बैक्टीरिया के शेप कई हो सकते हैं। इट कुड बी कोकस। कोकस किसको कहेंगे? अगर वो स्फेरिकल है। इट कुड बी बैसिलस शेप्ड। बैसिलस कब बोलेंगे? यदि वो कैसा है बच्चों? इफ इट इज रॉड शेप्ड। अगर ये रॉड शेप्ड है तो इसको बैसिलस बोलेंगे। इट कुड बी विब्रियो। इसको विब्रियो कब बोलेंगे? अगर ये कैसा है? कॉमा शेप्ड है। कॉमा शेप्ड है। और इट कुड बी स्पाइरल शेप्ड, दैट इज स्पाइरुलम भी हम लोग इसको बोलते हैं। अगर ये कैसा है? इफ इट इज स्पाइरल शेप्ड।
अगर ये स्पाइरल शेप रहता है इसको स्पाइरुलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरुलम को, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है यहां पर। अब देखिए, अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में रिजर्व फूड की, इफ यू टॉक अबाउट द रिजर्व फूड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, अगर बच्चों हम लोग प्रोकैरियोट्स में रिजर्व फूड की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहां पर कौन सा होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व फूड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में रिजर्व फूड जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में होता है। अब ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं बच्चों? ये इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलता है। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं, यानी ये किस में मिलती हैं? ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो ये रिजर्व फूड है किस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। और इनका एग्जाम्पल या फिर ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती हैं इंक्लूजन बॉडीज। दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती हैं। और दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और ग्लाइकोजन की एक खास बात क्या है बच्चों? कि ये ग्लाइकोजन जो होता है इट इज ऑल्सो द स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ एनिमल्स। तो यहीं पर हम लोग इस बात को भी लिख लेंगे अपने नोट्स में, नोट बना करके, कि ग्लाइकोजन जो होता है बच्चों, ये ग्लाइकोजन क्या है? इट इज स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। ये क्या है बच्चों? इट इज स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के केस में स्टोर्ड फूड भी होता है, कौन? ग्लाइकोजन। अच्छा, अब बेटा जब इसके आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज जो हमको यहां पर ध्यान रखनी है वो प्रोकैरियोट्स में बेटा हम लोगों को पढ़ना होता है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ये सेल एनवेलप क्या होता है और इसके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, अगर हम लोग सेल एनवेलप की बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला एक ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। बहुत ध्यान से समझना होगा, यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? इट इज ए ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? इट इज ए ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? यहां पर तीन लेयर्स पाई जाती हैं। ये तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक बच्चों आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। वन इज आउटर लेयर, वन इज मिडिल लेयर एंड वन इज इनर लेयर। जाहिर सी बात है तीन लेयर है तो एक बाहर होगी, एक बीच में होगी, एक अंदर होगी। एक एक करके इन लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आउटर लेयर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लेयर इज सेल वॉल। मिडिल लेयर को सेल वॉल कहते हैं। और इनर लेयर कौन सी होती है बच्चों? इट इज सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा इसको हम लोग इनर लेयर कहते हैं। तो तीन लेयर है, आउटर, मिडिल एंड ईयर, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों वो कौन सा है हमारा? That is our ग्लाइकोकैलिक्स। बहुत ईजी है अगर हम लोग लॉजिकली इसको समझेंगे, एनसीईआरटी की सारी बातों को एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यह बहुत आसान लगेगा, वरना बुक में थोड़ा सा ये टिपिकल लगता है हमको समझने में। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स की अगर बात करें तो ये क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप। ये बच्चों सेल एनवेलप का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये बात ध्यान रखनी होगी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ
सेल एनवेलप, सेल एनवेलप का बच्चों ये आउटर मोस्ट लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर कॉम्पोजिशन की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके कॉम्पोजिशन में म्यूकस और पॉलीसेक्राइड हो सकता है, ये हमको जरूर याद रखना है, और कभी कभी यहां पर प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं लेकिन समटाइम्स, तो ये हमको ध्यान रखना होगा, पॉलीसेक्राइड तो आपको कभी नहीं भूलना है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जब आगे बढ़ते हैं तो इसका मेन फंक्शन यानी कि एक ओवरऑल फंक्शन इसका पढ़ते हैं। अगर आपसे सीधे ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेल को एडहियर कराता है, यानी कि एडहेशन में भी रोल प्ले करता है। तो प्रोटेक्शन एंड एडहेशन इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन एंड एडहेशन। अब देखिए जरा, अब ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स, सो दिस ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म्स में हो सकता है। इधर इट कुड बी लूजली अरेंज्ड, ये कैसा हो सकता है, लूजली अरेंज हो सकता है, या फिर मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करूं जिससे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं कहूं यहां पर इफ इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ, तब बच्चों हम लोग इसको कहते हैं स्लाइम लेयर, तब इसको क्या कहा जाता है, स्लाइम लेयर कहा जाता है। और अगर ये थिक एंड टफ है, ये कैसा है बच्चों, इफ इट इज थिक एंड टफ, तब हम लोग इसको कहते हैं कैप्सूल, तब इसको क्या कहा जाता है बच्चों, देन इट इज नोन एज कैप्सूल। तो हम लोगों ने क्या देखा, ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है, ओवरऑल इसका फंक्शन प्रोटेक्शन एंड एडहेशन है। ओवरऑल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको लूज शीथ वाले फॉर्म दैट इज स्लाइम लेयर का भी फंक्शन बताएंगे और कैप्सूल का भी फंक्शन बताएंगे। तो अगर ओवरऑल फंक्शन पूछा गया तो प्रोटेक्शन एंड एडहेशन से काम चल जाएगा। अच्छा, अब अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स ये पॉलीसेक्राइड की लेयर लूजली अरेंज्ड है या फिर ये लूज शीथ के फॉर्म में है, तब हम लोग इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये थिक और टफ है तब हम लोग बच्चों इसको क्या बोलते हैं, देन वी कॉल इट एज कैप्सूल, तब हम लोग इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सेल, ये सेल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को बाहर जाने से रोकता है, यानी कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सेल, ये बच्चों सेल से वाटर और मिनरल के लॉस को रोकता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, कैप्सूल की। तो अगर कैप्सूल की हम लोग बात करें तो ये कैसा होता है, ये थिक और टफ होता है, और ये क्या करता है, इट इज बेसिकली गमी एंड स्टिकी, यानी कि ये चिपचिपा होता है, ठीक है, और ये सेल को गमी और स्टिकी बनाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये होस्ट सेल को, होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से पर्टिकुलर सेल को बचाता भी है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, ये होस्ट होस्ट के इम्यून सिस्टम से सेल को बचाने का काम भी करता है। तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, इट इज अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स के विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में देखा। अब दूसरा आता है कौन सा बच्चों, ये आउटर मोस्ट लेयर की बात की हम लोगों ने, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसकी बात करते हैं, दूसरे लेयर की बात करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल वॉल, तो चलिए जल्दी से देखते हैं किसको, लेट अस टॉक अबाउट सेल वॉल, किसकी बात करते हैं बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल वॉल। अगर सेल वॉल की बात करते हैं हम लोग, तो सेल वॉल क्या करता है, ये शेप और सपोर्ट देता है सेल को, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स शेप
एंड सपोर्ट टू द सेल। ये बच्चों सेल को शेप और सपोर्ट का काम करता है। यहां पर सेल वॉल यूजुअली अगर बैक्टीरिया की मेनली बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकैन की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकैन। ये किसकी बनी है, पेप्टिडो ग्लाइकैन की बनी हुई है। और जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं बच्चों, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इसी पेप्टिडो ग्लाइकैन की वॉल को गला देते हैं और ये सेल को सपोर्ट दे रहा है, शेप दे रहा है, उसको फटने से बचा रहा है, ठीक है, रप्चर या कोलैप्स होने से या बस्ट होने से बचा रहा है। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं बच्चों, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो इसी पेप्टिडोग्लाइकैन की वॉल को, पेप्टिडोग्लाइकैन वॉल को क्या करते हैं बच्चों, ये इसको ब्रेक कर देते हैं। दे ब्रेक्स द पेप्टिडोग्लाइकैन वॉल, और जिससे कि होता क्या है, लिसिस ऑफ द सेल। जिससे कि क्या होता है, सेल वॉल, सेल जो होता है वो उसकी लिसिस हो जाती है, वो टूट जाता है, फूट जाता है, लिसिस ऑफ द सेल। और एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, जैसे कि पेनिसिलिन, कौन सा एंटीबायोटिक हो गया, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिसिलिन कहते हैं। इसको एक फंगस से निकाला गया, अभी मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, जिसको हम लोग पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं। अब यहां पर बच्चों एक चीज समझनी होगी हमको, वो चीज ये है कि एक टेक्निक दी गई, बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। जिनका क्या नाम था बच्चों, क्रिश्चियन ग्राम जिनका नाम था। इन्होंने एक टेक्निक दी जिसका नाम था बच्चों ग्राम स्टेन टेक्निक। जिसका क्या नाम था, ग्राम स्टेन टेक्निक नाम था। ये ग्राम स्टेन टेक्निक क्या करती है, ये ग्राम स्टेन टेक्निक दी किसने, पहले तो ये समझना होगा। इट वॉज गिवन बाई क्रिश्चियन ग्राम, इट वॉज गिवन बाई क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने बच्चों ये टेक्निक दी, जिसको हम लोग ग्राम स्टेन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक की वजह से बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। वन इज अवर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अदर आर ग्राम निगेटिव। एक बात मैं पहले ही यहां पर आपको बताना चाहूंगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर लेस पैथोजेनिक, आमतौर से ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली पैथोजेनिक, यानी जो बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं ये यूजुअली कौन से होते हैं बच्चों, दे आर बेसिकली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो अब कैसे इन्होंने कैसे डिवाइड किया कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया लिए, ही टुक सम बैक्टीरियाज, इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर कुछ डाई डाली जिसको हम लोग कहते थे क्रिस्टल वॉयलेट या फिर जेंटियन वॉयलेट भी इसे कहते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और जेंटियन वॉयलेट। इस डाई या इस कलर को डालने के बाद सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए, ब्लूइश पर्पिल हो गए, या ब्लू भी आप बोल सकते हैं, ब्लूइश पर्पिल हो गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने बच्चों बैक्टीरिया को वाटर वॉश किया, क्या किया, वाटर वॉश किया। इसके बाद इन्होंने यहां पर 0.5% आयोडीन सोल्यूशन डाला, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन डाला। उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया को फिर से वॉश किया, किससे, एल्कोहल से, यानी कि एल्कोहल वॉश किया। तो सबसे पहले स्टेन डाला यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट डाला, उसके बाद बैक्टीरिया सारे ब्लू हो गए, उसके बाद इन्होंने वाटर वॉश किया, फिर 0.5% आयोडीन सोल्यूशन और फिर एल्कोहल वॉश किया। और फिर इन्होंने देखा जो बैक्टीरिया अभी भी कैसे थे, ब्लूइश पर्पिल थे, जो बैक्टीरिया अभी भी कैसे थे बच्चों, ब्लूइश पर्पिल थे, उनको इन्होंने बोला ये बैक्टीरिया कैसे हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव। और जो
बैक्टीरिया कलरलेस हो गए, यानी जो रिटेन नहीं कर पाए, किसको, स्टेन को रिटेन नहीं कर पाए, क्रिस्टल वॉयलेट को, कलर को अपने पास नहीं रख पाए, उनको इन्होंने क्या बोला, ही कॉल्ड देम एज ग्राम निगेटिव। और बाद में इन्होंने इसके ऊपर क्या डाला, सेफ्रेनिन डाला, और इसके बाद इसको ऑब्जर्व किया तो ये कैसे दिखे, पिंक कलर के ये बैक्टीरिया दिखे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो स्टेन को रिटेन कर गए वो ग्राम पॉजिटिव हुए, और जो स्टेन को नहीं रिटेन कर पाए वो क्या थे, वो ग्राम निगेटिव कहलाए। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स की तीसरी लेयर की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच वी कॉल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है और सेल वॉल के अंदर मिलती है, ठीक है। इट इज बेसिकली ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कहा क्या करती है बच्चों, जो अगर मैं कहूं जो क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म को सराउंड किए रहती है, दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, ये क्या करती है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें, तो यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये एक्सटेंशन शो करती है, और एक्सटेंशन में ये क्या करती है, ये ट्यूब्यूल लाइक या वेसिकल लाइक या लैमिला लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये बेसिकली क्या करती है, ये एक्सटेंशन शो करती है, यानी अंदर की तरफ इमेजिनेट कर जाती है, और क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। मीजोसोम के कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। ये मीजोसोम क्या करता है, इट दिस मीजोसोम इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, ये सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो सकता है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चों ये इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर सकता है। तीसरी चीज ये क्या करता है, दिस मीसोसोम ऑल्सो कंटेन्स इंजाइम, यहां पर इंजाइम्स भी हो सकते हैं, इंजाइम्स होते हैं। और तीन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों, ये क्या करता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरी चीज ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी रोल प्ले करता है, डीएनए रेप्लिकेशन। और क्या करता है बच्चों, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू द डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल, डॉटर सेल में भी ये डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, किसकी बात करते हैं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन शो करता है, यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन शो करता है। एक्सटेंशन करके ये जो स्ट्रक्चर्स बनाता है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये हमको ध्यान रखना है, ये होते हैं क्रोमैटोफोर्स, ये क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में मीसोसोम बना रहा है, और साइनोबैक्टीरिया में यही एक्सटेंशन क्रोमैटोफोर्स बनाता है, और ये क्या करते हैं, दे कंटेन्स पिगमेंट्स, और इनमें क्या भरे होते हैं बच्चों, यहां पर पिगमेंट्स भरे होते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की। अब समझिएगा, सेल जो होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, या कोई भी सेल होगा तो वो या तो मोटाइल हो सकता है या तो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो लोकोमोशन की अगर हम लोग बेसिकली बात करें, अगर किसकी बात करते हैं हम लोग, लोकोमोशन की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं, तो या तो बैक्टीरिया कैसा होगा हमारा, मोटाइल होगा, या तो ये कैसा होगा, मोटाइल होगा, या फिर ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, कैसा होगा, नॉन मोटाइल। अगर ये मोटाइल है तो यहां पर क्या मिलेगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, फ्लैजिला इज प्रेजेंट,
टिक का मतलब प्रेजेंट, और यदि नॉन मोटाइल है तो यहां पर फ्लैजेला एब्सेंट होता है। अब देखिए यदि फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। यहां पर कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, तीन पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला के। ये तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, इट इज फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। क्या क्या है यहां पर बच्चों, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यहां पर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, बहुत खास बात है, ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये किससे बना होता है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर भी बताऊंगा फ्लैजेला वहां पर किससे बने होते, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये क्या है, यहां पर फ्लैजेलिन प्रोटीन है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट है और फ्लैजेलिन प्रोटीन यहीं पर मिलता है बेसिकली, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। जबकि बेसल बॉडी की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड रिंग्स। यहां पर रॉड्स और रिंग्स पाए जाते हैं, ये रिंग कौन से हो सकते हैं, इट कुड बी एल रिंग, इट कुड बी पी रिंग, इट कुड बी एस रिंग और इट कुड बी एम रिंग। तो आप याद रख सकते हैं लपसम, लपसम यानी एल पी एस एंड एम रिंग। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया। अब देखिए फ्लैजेला के साथ साथ यहां पर क्या होता है बेटा, कुछ और क्या पाए जाते हैं, कुछ और सेल सरफेस पर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं अदर देन फ्लैजेला, अदर देन फ्लैजेला, फ्लैजेला के अतिरिक्त सेल सरफेस, सेल की सरफेस पर और क्या पाया जाता है बच्चों, सेल सरफेस पर मिलता है, सेल सरफेस है सम अदर स्ट्रक्चर्स नोन एज, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल सरफेस पर पिली और फिम्ब्रिए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिली एंड फिम्ब्रिए। ये पिली क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन मेटिंग। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये मेटिंग करवाते हैं यानी टेंटिंग मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवाते हैं, और उसके साथ साथ ये किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ये किससे बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिम्ब्रिए क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट और एडहेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेटम बोल सकते हैं हम लोग, सबस्ट्रेटम से ये जोड़ता है, हो सकता है होस्ट के सेल से जोड़ दे, हो सकता है रॉक्स से जोड़ दे, ठीक है, इस तरह से ये चीजें यहां पर काम करती हैं। अब आखिरी चीज यहां पर हमारे जो प्रोकैरियोट्स में हम लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है बच्चों कि यहां पर हमें राइबोसोम कौन सा मिलता है। अगर राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम मिलता है, और इस राइबोसोम की दो सब यूनिट्स हैं, वन इज अवर 50S एंड अदर इज 30S। 50S लार्जर सब यूनिट होती है और 30S हमारी स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो अब ये राइबोसोम किस पर अगर अरेंज हो जाते हैं, जब ये राइबोसोम अरेंज हो जाते हैं किस पर, इफ दे आर अरेंज्ड ऑन mRNA, जब ये mRNA पर अरेंज हो जाते हैं बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं पॉली सोम या फिर पॉली राइबोसोम, इसको हम लोग पॉलीसोम या फिर पॉली राइबोसोम कहते हैं बेटा। और प्रोकैरियोट में अगर साइज की बात करें राइबोसोम की तो यहां पर 15 से 20 नैनोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है, और ये पॉलीसोम किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, यानी एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ये उसमें हेल्प करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इतना अगर आपने पढ़ लिया है प्रोकैरियोट्स के बारे में तो आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, और आई होप काफी आपको आसानी होगी एनसीईआरटी पढ़ने में, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, बिना एनसीईआरटी के हम लोग अपने मकसद को, अपने एम को अचीव आसानी से नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। तो बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड जरूर करें, क्लास नोट्स बनाएं, वीडियो को देखें, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी बाद में आप रिव्यू करें, उसको पढ़ें। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि आप ये क्लास नोट्स चाहते हैं तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं,
हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी इसी नाम से है, दैट इज रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस। तो अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।